भाजपा सरकार में पर्ची व खर्ची नौकरियां देने के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य लक्ष्य गर्ग के नेतृत्व में भट्टू कला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया व सरकार का पुतला फूका। वहीं सिरसा में इसके खिलाफ 18 सितंबर को सीएम के आगमन पर आम आदमी पार्टी सीएम का घेराव करेगी। इस अवसर पर लक्ष्य गर्ग ने कहा कि भाजपा जसपा गठबंधन सरकार में बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां देने के झूठे दावे की पोल खुल गई है, क्योंकि फतेहाबाद के विधायक के पीए पर नौकरियों के एवज में कथित तौर पर सरेआम लाखों रुपए लेने का मामला सामने आने पर साबित हो गया है कि गठबंधन सरकार में नौकरियों की बोली लगाकर बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों से गठबंधन सरकार में बिना पर्ची खर्ची की योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। राजकीय महिला महाविद्यालय रतिया में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पर्यावरण विभाग के द्वारा महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम पर्यावरण विभाग प्रभारी प्रोफेसर सीमा की देखरेख में करवाया। उन्होंने ओजोन परत के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र पुरी ने कहा कि छात्रों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य ने ओजोन परत के प्रभाव के बारे में कहा कि वायुमंडल पर ओजोन परत के प्रभाव पड़ते हैं। उन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए छात्रों को शपथ दिलाई। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने कहा कि ओजोन परत के टूटने पर सूर्य की किरणों से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव से होने वाली कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लोग ग्रस्त हो जाते हैं।